work justice! We work justice! We work justice! We work justice! जैसा कि आप लोगों को पता है, कल जो उसूर में वाकया हुआ, हम उर्दू यूनिवर्सिटी की तलबा की तरफ से उसके पुरजोर हम कंडेम करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कल जो उसूर में वाकया हुआ, उसके बाद कुछ मुजाहिरीन ने डीपीओ के दफ्तर के सामने एहतजाज किया, उस पर स्ट्रेट फायरिंग की, हम उसकी भी भरपूर मुजम्मत करते हैं। और हुकूमत पंजाब से हम मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और उनके जो स्ट्रेट फायर किए गए उनके मुलजिमों को उनको पकड़ा तो है, लेकिन जल्द केफर किरदा तक पहुंचाया जाए। तीसरी बात, जहां तक आपको पता है, एक हदीस भी है, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी कातिल का किसी मकतूल का कातिल अगर पकड़ा न गया तो वहां के हुक्मरान उससे कातिल है। मैं कातिल हुक्मरान से मुहातब होकर कहता हूँ कि कम अज कम इंसान इंसानियत के नाते आप लोग अपना होश के नाखून ले। जैसा कि कल जैनब अगर किसको इसने बेहमत तरीके से शहीद किया गया, अगली बारी हमारी भी हो सकती है, हमारी भी बहन की बारी आ सकती है, हम तब जागेंगे। मैं आप लोग को सलाम पेश करता हूँ, इतने सारे उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रोडों पे आके अपना एक प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी बात, मीडिया के नुमाइंदों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनका बहुत बड़ा किरदार है। कल से जैनब के बारे में काफी उन्होंने रिकॉर्ड चलाए हैं, जिसकी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 100 मोटे एक्शन लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ आर्मी स्टाफ से फिर मुतालबा करते हैं कि जब तक आप लोग तब तक 100 मोटे लेके जेल से न बैठे, जब तक कातिलों को केहर सिद्धांत नहीं पहुंचाया जाता, तो आप लोगों को मैं बहुत जालिमों, खून का जवाब दो, खून का हिसाब दो, जवाब दो।